लंदन जाकर हम बकिंगम पैलेस देखने जरूर जाते हैं, या अमेरिका जाएं और व्हाइट हाउस ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर वही जब बात इंडिया की आती है तो हम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कैसे भूल सकते हैं। ये है मेरा घर। खूबसूरत है ना? सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आपका, मेरा, पूरे राष्ट्र का घर है। I have been invited to take you through this iconic main building, the historic museum and the gorgeous Amrit Udyan, which is now open to public. Welcome to Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion of inauguration of Amrit Udyan, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो चलो एक क्विक टूर लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या खास है। राष्ट्रपति भवन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहाँ आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद रहते हैं और आप इनका घर, गार्डन और म्यूजियम तीनों देख सकते हैं। Of course, with prior registration and few rules and regulation, this whole presidential estate is spread across 330 acres. जिसमें ये H-shaped building है, that is spread across 5 acres. Building की एक तरफ है forecourt and Jaipur column और दूसरी तरफ है Amrit Udyan Garden. इस mansion में 340 room है जो 4 floor में फैले हुए हैं, 2.5 kilometers का corridor और 190 acres का garden area. बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेस और राइट साइड में प्रेसिडेंट का घर। '1950 से 2023 तक जितने इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो यहीं आकर रहते हैं। यहाँ हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ रहते हैं। बट द फैक्ट कि डोम के ऊपर फ्लैग नहीं है, इसका मतलब यही है दैट प्रेसिडेंट मैम इज करंटली नॉट एट होम। एक वक्त पर राष्ट्रपति भवन को वाइस रॉय हाउस भी कहा जाता था, पर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया और फाइनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिस ब्यूटिफुल प्रेसिडेंशियल पैलेस वॉज रीनेम्ड एज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वर्क ऑफ आर्ट डिवाइडेड है तीन सर्किट में। सर्किट वन दैट कंसिस्ट ऑफ दिस मेन बिल्डिंग एज वेल एज द फोर कोर्ट जहां मैं हूँ एंड द जयपुर कॉलम। इनफैक्ट जो आप स्टेयरकेस मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जगह है जहां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेरेमनीज हैपन। दिस इज द सेम प्लेस वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Let's first head to Amrit Udyan, जहां President Ma'am every morning खुद walk करने आते हैं। You know what's the best part about these gardens? You can scan the QR code placed in the garden and get more information about the flowers, plants or trees during the visit. Flowers में हमारे पास इस बार 85 तो flower annuals हैं, winter flower annuals। उसके अलावा सिर्फ हम रोजेस की बात करें तो वी हैव लाइक 120 सेलिब्रेटेड वैराइटीज ऑफ रोजेस दिस ईयर, जिसमें लाइक वी हैव ब्लैक रोज, ओक्लाहोमा, अश्वनी एंड ब्लैक बकारा, देन वी हैव ग्रीन रोज ओवर हियर, देन मोंटेजुमा एंड सब अदर लाइक वेरी नोन वैराइटीज। तो यहाँ बीच में बना हुआ है एक सेंट्रल स्क्वायर शेप लॉन जहाँ कई सारे गेट टुगेदर्स या पार्टीज होती है। वैसे अमृत उद्यान स्प्रेड अक्रॉस 15 एकर्स अमिड्स लश ग्रीनरी, हर्बल प्लांट्स और कई सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स। इनफैक्ट ये डिवाइडेड है ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन एंड द ब्यूटिफुल सर्कुलर गार्डन इज वेल। वैसे तो मैं यहाँ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ आने के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, बट ऑल यू नीड टू डू इज प्री रजिस्टर योर सेल्फ। तो अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के सर्किट टू में,
जहां म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। एक टाइम पर ये स्टेबल और गैरेज हुआ करता था, पर 2016 में इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ये म्यूजियम दर्शाता है हमारे अतीत को, आवर हिस्ट्री, आवर हेरिटेज, आवर कल्चर। 1950 से लेके अब तक प्रेसिडेंट को जितने तोहफे मिले हैं उन सब का कलेक्शन है यहाँ पर। जितने डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स मिले हैं वो भी। और मैं ये एक बात आपको बता दूं दैट दिस म्यूजियम इज क्वाइट मॉडर्न एंड डिजिटाइज्ड। सो लेट्स गो इन एंड फाइंड आउट मोर। So this Victoria coach has been a part of President's collection of coach for over 100 years. It was used by President, Viceroy, or occasionally also their family members. और ये मर्सिडीज कोई मामूली मर्सिडीज नहीं है। It has served 5 presidents of India from 1990 to 2012, and it has been replaced with limousine S600 Guard. राष्ट्रपति भवन के पीछे जो आर्किटेक्ट हैं दैट इज एडविन लुचियंस, ही मेड दिस विद द हेल्प ऑफ मेनी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज इंजीनियर्स, जिनके बारे में आप जान सकते हैं जस्ट बाय टचिंग ऑन द डिजिटल स्क्रीन्स। तो इस जगह पर इंडिया के सारे नेशनल मोमेंट्स जो काफी लैंडमार्क रहे हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब को कैप्चर किया गया है। चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, जलियांवाला बाग में हुआ मैसेकर हो, या हमारा पार्टीशन, एक एक लम्हा यहाँ पर ऐसा कैप्चर किया गया है जहाँ आप उसे रिलिव कर पाएंगे। देखने को मिलेगा सिल्वर ट्रम्पेट सेरेमनी की एक छोटी सी झलक, जो हर 5 साल में होती है, एवरी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज चेंज। वेल, मैं अब जा रही हूं टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स हाउस, बट वहां कैमराज अलाउड नहीं है। स्टे विद मी, मैं जरा घूम कर आती हूँ। This is the second largest living presidential palace in the world. और आप भी prior registration के साथ घर के अंदर जा सकते हैं। But there are only limited slots and few rules. Maybe we'll do another video on that very soon. Wow, it feels absolutely amazing to be at the exact same place जहां कई सारे historic moments हुए हैं। अब तक तो हम ये जगह ज्यादातर news channels पर ही देखते आए हैं। But you can come here, रूबरू इस जगह को देखिए। House to the President of the world's largest democracy invite you for a tour of this beautiful complex. I hope aapko mere saath Rashtrapati Bhavan ghoomne mein maza aaya. Until next time, it's me, Kamya Jani, signing off.